वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 7.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 40 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 50 आर्टिकल्स फाइंड द लॉस और या गेन परसेंट। बेटा हमें 40 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल किसके दी हुई है, 50 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस वैल्यू के, और हमें फाइंड करना है कि इसमें लॉस या गेन कितने परसेंट होगा। लेट मान लीजिए सीपी ऑफ द ईच आर्टिकल एक्स रुपीज है, तो 50 आर्टिकल की जो है कितनी होगी सीपी, 50x हो जाएगी बेटा। तो 40 आर्टिकल की जो सीपी कितनी होगी बेटा 40x। तो एसपी किसके बराबर होगी 40 आर्टिकल की 50 के, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो 40 आर्टिकल की सीपी एसपी है वो इतने आर्टिकल के बराबर है बेटा, 50 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के, और जब 50 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इतनी है तो इतने आर्टिकल के एसपी के बराबर होगी। तो 40x इज इक्वल टू कितना है 50, तो एसपी ऑफ द 40 आर्टिकल का कितना हो गया बेटा 50x। हियर सीपी कितना है यहाँ पे 40x और एसपी कितना है 50x। सिंस बिकॉज एसपी जब ग्रेटर देन बेटा सीपी से होता है सो प्रॉफिट विल ऑक्योर होता है। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिट को, सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके कॉस्ट प्राइस वैल्यू को, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 50x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 40x, 50 में से 40x माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 10x, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 10x। जब प्रॉफिट 10x है तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट के प्लेस पे प्रॉफिट की वैल्यू रख दीजिए 10x अपॉन कॉस्ट प्राइस वैल्यू कितनी है 40x, तो 40x रख दिया मल्टीप्लाई 100, एक्स से एक्स एलिमिनेट हो गया, 10 4 जाए हो गया 40, 4 से 100 को डिवाइड किया 25, तो 25% आ जाएगा बेटा।